मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, यदि बुलंद है हौसला तो फिर उनसे फासला क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त, क्रांति लेकर आ गया है, और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग का एक एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है, फिर उसके बाद रीजनिंग को प्रैक्टिस मोड पर डिस्कस कर रहे हैं। तो किस बात की है, देरी बच चुके हैं, नो मतलब हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी का स्वागत है, सभी को नमन है, सभी का स्वागत है। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, एंड देन उसके बाद में हम शुरू करते हैं रीजनिंग के जबरदस्त क्वेश्चंस का यहां पर महासंग्राम। तो एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दें आप सभी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, फटाफट एक बार जल्दी से सभी वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार हो जाइए दोस्तों लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्वेश्चन से दो दो हाथ करने के लिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, चलिए शुरू हो जाइए। यहां लिखा है, एक मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा कि वह मेरी मां के बेटे के पिता की बहन है। तो आप बताएं दोस्त, यहां पर वह महिला मंजू से किस प्रकार से संबंधित है, वह महिला मंजू से किस प्रकार से संबंधित है। तो एक मिनट का समय आपको दे रहा हूं प्रत्येक प्रश्न के अंदर, फटाफट शुरू करिए बनाना। टाइम दिख तो रहा ही नहीं है। चलिए सभी इसका आंसर करें फटाफट। तो मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने क्या कहा कि वह मेरी मां के बेटे की पत्नी, पिता की बहन है। तो बताइए मंजू महिला से किस प्रकार संबंधित है। चलिए समय समाप्ति की ओर है, देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। तो यहां समय समाप्त हुआ। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, तो मंजू क्या कह रही है, मंजू ने एक मंच पर एक महिला है उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहा, मंच पर एक महिला उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरी मां के बेटे, मंजू की मदर के बेटे के पिता, पिता यानी मंजू के पिता की बहन है। मतलब ये कौन है, मंजू के पिता की बहन है। तो मंजू की क्या लगेगी ये महिला, तो महिला मंजू से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला मंजू की क्या हो जाएगी, भुआ, भुआ यानी कि आंटी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पहला प्रश्न था आपका किसके ऊपर बेस्ड था, ये आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड था, एंड आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपका घन और घनाभ के ऊपर बेस्ड है। शुरू हो जाइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शुरू हो जाइए। ये आपका क्यूब के ऊपर बेस्ड है, घन, घन के ऊपर बेस्ड है। पढ़ो क्वेश्चन को और बनाओ। घन के सभी पृष्ठ रंगीन होते हैं, मतलब एक घन है जिसके सभी पृष्ठ क्या है, रंगीन है। यदि उसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, प्रत्येक भुजा मूल घन भुजा के 1/4 आकार की होती है, यानी n का मान देने का प्रयास किया गया है इस लाइन के अंदर। तो एक पक्ष चित्रित घनों की संख्या को इंगित करे। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक ही फेस पर रंग लगा हो, ऐसे घन कितने होंगे, उनकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको यही करना है। तो काफी लोग इसका आंसर कर रहे हैं, चलिए फटाफट सभी इसका आंसर करिए, वेरी गुड। अब देखो दोस्त, समय समाप्त हुआ, काफी लोगों ने इसका आंसर किया है, सी ऑप्शन इसका आंसर कर रहे हैं। एक बार कई लोगों का जो है इसमें आंसर गलत भी है, तो एक बार मैं आप लोगों को यहां पर याद दिलाना चाहूंगा,
कि घन के अंदर जो नोट है वो फटाफट एक बार ध्यान से सभी देख लें, तो यहां पर घन क्यूब को आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। तो घन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो देख पाते हैं, वो समझ पाते हैं, वो है आपका एन का मान। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है आपका एन का मान। एन क्या होता है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ये आपका एन का मान होता है। ये एन है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, इसे बोलते हैं एन का मान। और एन क्या बताता है? एक भुजा पर स्थित छोटे घनों की संख्या। एन जो वैल्यू होती है, एक भुजा पर स्थित छोटे घनों की संख्या, एक भुजा पर स्थित छोटे घनों की संख्या, ये किसके द्वारा बताई जाती है? एन के द्वारा बताई जाती है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज तो ये एन का मान हो गया है। बड़े घन की भुजा मतलब बिगर क्यूब साइड, बिगर क्यूब साइड डिवाइड बाय स्मॉल क्यूब साइड, स्मॉल क्यूब साइड, ये आपको दिया हुआ होता है एन का मान। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि सर यहां पर कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकाली जाती है? टोटल स्मॉल क्यूब्स, टोटल स्मॉल क्यूब्स, कुल छोटे घन। तो कुल छोटे घन कैसे निकाले जाते हैं? तो कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है एन क्यूब से। एन का क्यूब करते हैं तो क्या निकल कर आता है? कुल छोटे घनों की संख्या निकल कर आती है। तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका वर्टेक्स क्यूब, जिनकी तीन सतह दिखाई दे। वर्टेक्स क्यूब किन्हें बोलते हैं हम? शीर्ष घन, शीर्ष घन, शीर्ष घन, ऐसे ऐसे छोटे घन जिनकी कितनी सतह दिखाई दे? तीन सतह दिखाई दे, तीन सतह दिखाई दे, तीन सतह दिखाई दे। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ रही है आपके? आठ, आठ आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद में देखें तो सर देखो यहां पर सेंट्रल क्यूब आपका पहले आता है मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब क्या होता है? मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब यानी कि आपका मध्य घन। तो मध्य घनों की संख्या अगर देखें तो मध्य घन क्या होते हैं? जिनकी दो सतह दिखाई दे, दो सतह दिखाई दे, और दो सतह दिखाई दे, इसका मान कैसे निकालते हैं? एन माइनस टू इंटू बारह। ये वो घन है जिनकी कितनी सतह दिखाई दे रही है? दो सतह दिखाई दे। पांचवा सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब क्या है आपका? सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन क्या होते हैं? जिनकी केवल एक सतह दिखाई दे, केवल एक सतह दिखाई दे, एक सतह दिखाई दे, एक सतह दिखाई दे। तो इसका मान कैसे निकालते हैं? n माइनस टू का स्क्वायर इंटू सिक्स। ये है आपका सेंट्रल क्यूब निकालने का तरीका। सिक्स्थ पॉइंट है इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब कैसे निकालते हैं आप? इनर सेंट्रल क्यूब यानी अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन निकालने का तरीका क्या होगा? जिनकी एक भी सतह दिखाई ना दे, जिनकी एक भी सतह दिखाई न दे, दिखाई न दे, एक भी सतह दिखाई न दे, ऐसे घनों की संख्या n माइनस टू का कितना आ जाएगा? क्यूब। यहां से आप निकाल पाएंगे, यहां से आप निकाल पाएंगे। भुजाओं की संख्या 12 होती है, इसलिए यहां 12 यूज किया है, क्योंकि मध्य घन भुजा पर मिलते हैं। केवल एक सतह दिखाई दे, केंद्रीय घन सतह 6 होती है, क्योंकि केंद्रीय घन सतह पर मिलते हैं, इसलिए आप यहां पर 6 से गुणा करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें जैसा कि जो क्वेश्चन था आपका, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था? एक पक्ष चित्रित घनों की संख्या। उससे पहले आप देखें मूल भुजा का एक बटा चार है, मतलब आपको एन का मान दे रखा है, बड़े घन की भुजा चार, छोटे घन की भुजा एक, तो एन का मान कितना है? चार। फिर आपसे क्या पूछा है कि एक पक्ष चित्रित हो, मतलब कौन से घन पूछे हैं? सेंट्रल क्यूब पूछे हैं। कौन से क्यूब पूछे हैं? सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन, केंद्रीय घन पूछे हैं, केंद्रीय घन पूछे हैं। तो केंद्रीय घन कितने होंगे? तो सर ये आएगा n माइनस टू का स्क्वायर, सॉरी n माइनस टू का स्क्वायर इंटू सिक्स। एन का मान कितना है? चार, चार माइनस दो का स्क्वायर इंटू छः,
तो ये आ जाएगा 24, यानी कि आपके एक पक्ष चित्रित हो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24, यानी कि आपका 24 इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये प्रश्न आपका पासे के ऊपर बेस्ड है, डाइस के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर करिएगा कितना आने वाला है। चलिए फटाफट, समय शुरू होता है, इस प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। नीचे एक ही पासे के चार प्रारूप दिखाए गए हैं, अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको बताना है 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए सर, आपको यहां पर निकालना है 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, दोनों में 3, 6, 2, 4, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी। ये आपका पहला व्यू हो गया, ये दूसरा व्यू हो गया, ये एक ही पासे का तीसरा व्यू हो गया, और ये एक ही पासे का चौथा व्यू हो गया। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो 1, 2, 3 और 1, 4 दोनों में एक कॉमन आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूं, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूं, तो इसमें लग जाएगी 1 कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक लग जाएगी दोस्त, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी इसमें, लग जाएगी 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। और 1 कॉमन ट्रिक लगेगी तो देखो 1, 4, 5 और 1, 2, 3 दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम गए हो, 1, 4, 5 और 1, 2 और 3। तो 4 के अपोजिट 2 आएगा, 5 के अपोजिट 3 आएगा, और बचे हुए 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 6। बचे हुए 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, तो 6 के अपोजिट कौन सा अंक आ जाएगा, 1, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में देखें तो ये आपका गणितीय प्रश्न के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये आपका औसत के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए यह प्रश्न है। चलिए शुरू हो जाइए इस प्रश्न का आंसर करना। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी, बताएं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तीस छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। अगर अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम किसी फॉर्मूला वगैरह से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे किससे, हम इसको लॉजिकल मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। लॉजिकल मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। देखें तो 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। 30 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु है 15 वर्ष। उनका औसत आयु कितना है, 15 वर्ष, ठीक है जी। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखो अध्यापक के आने से क्या हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ गई है। अध्यापक इसमें क्या हो रहा है, टीचर इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और टीचर इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, टीचर ऐड होने से व्यक्ति 31 हो जाएंगे, पहले कितने थे, 1। तो ये जो टीचर ऐड हो रहा है ये 15 साल तो ला ही रहा है। देखो अगर अगर इस टीचर की आयु भी 15 वर्ष होती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत रिमेन जो एवरेज है वो रिमेन कॉन्स्टेंट होता, पर ये टीचर क्या कर रहा है, एवरेज के 15 तो ला ही रहा है, साथ ही साथ में ये एक जना और आने से अब कितने हो गए, 31 लोग। तो हर एक व्यक्ति के लिए 1 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है।
हर एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, मतलब एवरेज के 15 तो ला ही रहा है, साथ ही साथ में प्रत्येक व्यक्ति 31 लोगों के लिए एक्स्ट्रा 31 एक एक वर्ष सबके लिए लेकर आ रहा है, तो ये टोटल कितना लेकर आया है, टोटल 46 वर्ष लेकर आया है, जिसमें से 15 वर्ष तो उसके औसत के हो गए, बाकी बचे हुए 31 लोगों में बराबर बढ़ जाएंगे, तो सबको एक एक मिलेगा, तो एवरेज भी एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति आया है उसकी औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष आपको देखने को मिलने वाली है, 46 ईयर्स जो है उसकी औसत आयु आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न आपका किसके ऊपर बेस्ड है, पूर्व धारणा के ऊपर बेस्ड है। चलिए दोस्त, बना डालिए, फोड़ डालिए क्वेश्चन को। आपको एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है, पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। पूर्व धारणा, आमतौर पर नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन ज्ञात नहीं होता है। दूसरा, आमतौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। कथन और पूर्व धारणा के ऊपर ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है, बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ, देखिए काफी समय दिया है आपको, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, देखो यहां पर एक व्यक्ति का कथन है, यदि आपको एक वर्ष का परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन, यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर विद ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ वन ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ कंफर्मेशन। लाइन इज इन अपॉइंटमेंट लेटर, एक अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो है ये बात लिखी हुई है, तो जो अपॉइंट कर रहा है ये कहीं ना कहीं उसी का कथन है, तो जिसने इस व्यक्ति को अपॉइंट किया है उस व्यक्ति की सोच आपको देखनी है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है, जिसको जा रहा है वो नहीं, जो ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है उसकी क्या धारणा रही होगी। पहला तो उसने पहले तो देखो क्या कहा है कि हम प्रोबेशन पीरियड के आपको एक वर्ष की प्रोबेशन पीरियड में रखा जा रहा है, फिर आपको क्या किया जाएगा, एक वर्ष के बाद आपके प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे, फिर आपको कंफर्म करेंगे, तो उसकी क्या सोच रही होगी। आमतौर पर नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन ज्ञात नहीं होता है, इसका मतलब उस व्यक्ति की ये सोच रही होगी ना कि जब हम किसी को नियुक्त कर रहे हैं तब हम उसके प्रदर्शन को पता नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा है कितना बेकार है, उसके लिए थोड़ा उसको हमें क्या चाहिए, समय चाहिए चेक करने के लिए, तभी तो वो प्रोबेशन पीरियड दे रहा है, यानी कि इस व्यक्ति की ये सोच रही होगी, बिल्कुल इस व्यक्ति की ये सोच रही होगी। दूसरा, आम तौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, ये भी उस व्यक्ति की सोच रही होगी, तभी तो उसने कहा कि एक साल के बाद आपके प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे, मतलब इस एक साल के दौरान उस व्यक्ति के हिसाब से एक साल के दौरान ये जो इस व्यक्ति को हम अपॉइंट कर रहे हैं ये अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करेगा ताकि हम इसे कन्फर्म कर सके। तो ये दोनों ही पूर्व धारणाएं इस व्यक्ति के इस कथन में अंतर्निहित है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका गणितीय संक्रियाओं के ऊपर बेस्ड है। समय शुरू होता है अब, बना डालिए, फोड़ डालिए क्वेश्चन को, तोड़ डालिए, बना डालिए, फोड़ डालिए। यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है गुणा, तो समीकरण का मान क्या होगा। यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है गुणा, तो समीकरण का मान क्या होगा, समीकरण का मान क्या होगा। तो ये गणितीय संक्रियाओं के ऊपर बेस्ड है, लगाओ दिमाग।
चलिए समय समाप्त हुआ, देखिएगा ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है गुणा। ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है गुणा करना। तो आपसे पूछा इस समीकरण का मान क्या रहेगा, तो 25 डी, डी का मतलब है गुणा, 13, 13 के बाद ए का मतलब है प्लस 82, सी इसका मतलब है माइनस 132, बी का मतलब है भाग 11। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ये आपके सॉल्व होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट होंगे, फिर ऑर्डर होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 132 में आप 11 का भाग सबसे पहले देंगे, तो 25 इंटू 13 प्लस का 82 माइनस 11 एकम 11 और 11 दुना 22। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे, तो 13 पंजे 65, 5 6, 13 दुना 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 325, 82 माइनस का 12। फिर आप चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 325 में से 12 माइनस किया तो 70, तो ये कितना आ जाएगा 395, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये है आपका शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बनाओ दोस्त। ये प्रश्न आपका बेस्ड है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो किस प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले तो देखो क्या आएगा, एक विद्यार्थी के बाद में स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, तो एक के बाद में चार नंबर। तो वैसे तो देखा जाए तो बी ऑप्शन आंसर आ ही चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक और चार यहीं दिख रहा है। आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो देखो विद्यार्थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो 6 नंबर यानी उसे डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद में 3 नंबर यानी उसको क्या होगा, इंटरव्यू लगाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद में उसको क्या मिलेगी, यहां पर 3 नंबर के बाद 2 नंबर जॉब मिलेगी, और जॉब के बाद में अंतिम है 5 नंबर यानी कि अंत में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि इसमें सबसे बाद में क्या होगा, रिटायरमेंट होगा। 5 नंबर सबसे अंत में कहां आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते थे, मतलब इतने समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते थे कि रिटायरमेंट सबसे अंत में यानी 5 नंबर सबसे अंत में रहने वाला है। चलिए तो ऐसे थोड़ा सा चीजों को अगर आप देख के करेंगे तो आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है, समय दे रहा हूं पर्याप्त, 90 सेकंड का समय दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लगाइए दिमाग। कोडिंग डिकोडिंग, खोपड़ी लगाओ, लड़ जाओ इस क्वेश्चन से, झगड़ जाओ, पर हार मत मानना, क्वेश्चन से हार मत मानना, बनाओ।
दे रखा है और आपसे उसी कोड भाषा में प्लेयर का कोड पूछा है। चलिए, तो काफी समय दिया है मैंने आपको बनाने के लिए, आपने दिमाग लगाया भी होगा। चलिए शुरू करते हैं हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो क्या बनने वाला है। तो यदि देखें फिगर का कोड दे रखा है FIGURE, फिगर का कोड दे रखा है। नंबरिंग देखें तो 6, 9, 7, 21, 18 और 5। उसके बाद देखें तो सर देखो नंबरिंग कैसे कर रहा है ये, तो यहां देखो तो सर 6 का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये बनता है 36 + 1 = 37। फिर 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनता है 81 - 1 कितना होता है 80। ठीक है, देखो 37 बन गया, 80 बन गया। फिर देखें तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 + 1 कितना आ जाएगा 50। अगला देखो 50 भी बन गया है। फिर देखो दोस्त 21 का स्क्वायर माइनस 1, 441 - 1 तो कितना आ जाएगा 440। ये देखो 440 आ गया। फिर देखें 18 का स्क्वायर प्लस 1, 324 + 1 325। और फिर उसके बाद देखें तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 - 1 कितना आ रहा 24। क्या ये कंप्लीट आपका कोड समझ में आया कि फिगर का कोड किस प्रकार से बन रहा है? बोले हाँ सर, फिगर का कोड समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो मार्जिन का कोड किस प्रकार से बन रहा है, मार्जिन का कोड किस प्रकार से बन रहा है, मार्जिन का कोड देखें 13, 1, 18, 7, 9 और 14। तो सर देखो 13 का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 170, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये कितना आ गया 0। ठीक है ना, फिर 18 का स्क्वायर प्लस 1, 324 + 1 कितना आ गया 325। 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये कितना आ गया 48। फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 + 1 कितना आ गया 82। और 14 का स्क्वायर माइनस 1, 196 - 1 = 195। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, एक बार प्लस 1 करना है, एक बार माइनस 1 करना है, स्क्वायर करके एक बार प्लस 1 करना है, एक बार माइनस 1 करना है। तो इसी तरह से प्लेयर का कोड निकालना है, तो PLAYER, तो ये है आपका 16, 12, 1, 25, 5, 18। तो देखो 16 का स्क्वायर प्लस 1, 256 + 1 257, 12 का स्क्वायर माइनस 1, 144 - 1 तो 143, ठीक है ना 143। तो आप देखें तो वैसे तो ऑप्शन देखो 257 और 143, यहां पर आपको केवल डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें और कंटिन्यू करना चाहूं तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो यह आ जाएगा आपका 2। अगला देखो 2 मिल रहा है, 25 का स्क्वायर माइनस 1, 625 - 1 624, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 + 1 26, और 18 का स्क्वायर माइनस 1, 324 - 1 323। चलिए तो ये आपका कंप्लीट इस प्रकार से 624 बन रहा है। देखो 2 आ गया, फिर 624 आ गया, फिर 26 आ गया और फिर 323 आ गया। ठीक है जी, ये आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाओ फटाफट। ये जीके बेस्ड एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए समय समाप्त हुआ। जिस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, जिस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, वैसे ही मुल्डर ने किसकी खोज करी थी, तो मुल्डर ने प्रोटीन की खोज करी थी। मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पर्याप्त समय दे रहा हूं, 90 सेकंड का समय दे रहा हूं, 90 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाओ। थोड़ा सा और समय दे दूंगा, बनाइए इसको, बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 2 मिनट का समय देता हूं, चलिए बनाइए इसे, बनना चाहिए सभी का।
देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, काफी समय दिया है आपको, डरे नहीं, बनाने की कोशिश करें। कुछ लोगों का बन गया होगा, कुछ लोग इतना तो समझ में आ रहा है शुरुआत जेड से हो रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सबसे जेड आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से बनने वाला है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात तो ये देखें कि यहाँ पर टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 से 2 अक्षर आपको निकलने वाले हैं, यहाँ पर 1 से 2 अक्षर यहाँ पर निकलने वाले हैं। चलिए खोपड़ी लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो कैसे बनने वाला है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 से 2 अक्षर बनने वाले हैं, तो मास्टर के अंदर MASTER, लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो 13 1 19 20 5 18, ये दे रखा है। अब सर देखो यहां लिखा है JL 10 और 12, सर देखो JL मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, JL 1 से 2 अक्षर बनने हैं, तो JL AC NP KM WY और GI, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो यहां देखें तो सर देखो 10 12 1 3 14 16 11 13 23 25 7 9, ये भी नंबरिंग भी मैंने कर ली ताकि यहां से हम पिक कर सकें। अब देखो 13 से अगर देखें -3 -1 1 से 1 और +2, 19 से -5 और -3 20 से -9 -7, इससे तो बात नहीं बन रही है। बोले सर इससे तो बात नहीं बनेगी, एम का अपोजिट एन भी लिख देता हूं, तो एन से 14 -4 -2, ए का अपोजिट जेड लिख देता हूं, -1 या +1 +3 आपको देखने को मिल रहा है, 19 H 8, इससे भी बात नहीं बन रही है, मतलब सीधे सीधे भी बात नहीं बन रही है, और अपोजिट लिखने के बाद भी बात नहीं बन रही है। अब एक चीज सर मैं जो देख पा रहा हूं ना सर, देखो उल्टा समझो, 10 12 1 3 14 16 11 13 23 25 7 9, ये सर बीच का अक्षर अगर मैं देखूं तो बीच का अक्षर कौन सा आएगा, के, यहां बीच का अक्षर कौन सा आएगा, देखो ना मैंने क्या किया है, 10 12 के बीचों बीच कौन फंसेगा, के, इसके बीचों बीच कौन फंसेगा, बी, इसके बीचों बीच कौन फंसेगा, ओ, उल्टा कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, डब्ल्यू, यहां एक्स फंसेगा बीच में और यहां पर एच फंसेगा। बोले सर इतना तो समझ में आया कि यहाँ के है, यहाँ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ एल है, यहाँ एक्स है और यहाँ एच है। मैं मानता हूं कि ये प्रश्न पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करें तो दोस्त हम इसको कर सकते हैं, तो कोशिश करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो के का नंबर है 11 2 15 12 24 और 8, तो 11 का कहीं लिंक बैठ रहा है क्या, -2 +1 -5 -4, नहीं सर इससे भी नहीं बन रही है बात, कोई बात नहीं। के का अपोजिट क्या होगा, काला पानी, पी, बी का अपोजिट क्या होगा, बॉय, लाइफ ओके, लाइफ ओके, क्रक्स और हनी सिंह। बोले सर ये भी लो, अपोजिट लिख के देख लिया, अपोजिट लिख के देखा तो 16 25 और 12 15 3 और 19, कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है नंबर। अब यहां से अगर हम देखें तो सर देखो क्या लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है, सर देखो 13 से 12 -1 1 से 25 -2 और 19 से 16 -3, देखने को मिल रहा है 19 से 16 -3 1 से 25 -2 और 13 से 12 -1, फिर उस लेटर का अपोजिट लिखा है और उसके फिर आगे पीछे वाले अक्षर लिखे हैं। बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कि ये मान के चलिए कि अगर ऐसा चीज पता नहीं है तो एक बार मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन को बनाना। फिर देखें 18, तो ये -3 है, 5 से 3 -2 है और 20 से 19 -1 है, ये -3 किया है, ये -2 किया है और ये -1 किया है। बोले बिल्कुल सर ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम जो है इस प्रश्न के अंदर करके देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्त, जैसे कि कोड किसका पूछा है, इसने पूछा है SECONDE, ये पूछा है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको इस चीज समझ में आती है, 19 5 3 15 14 और 4, तो यहां से -1 करोगे तो ये 18 पे क्या आएगा, R, ये -1 किया है ना जी, फिर ये -2 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, C, और यहां -3 करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, Z, यहां क्या आ जाएगा, Z, ठीक है जी, ये आ गया Z।
इसी तरह से यहां पर भी क्या करोगे, ये इधर की तरफ या इधर से करोगे तो माइनस एक, तो 14 पे आएगा एन, या माइनस दो करोगे 12 पे आएगा एल, और यहां माइनस तीन करोगे तो यहां कितना आ जाएगा ए, ये आ गया। फिर इनका अपोजिट, जेड का अपोजिट ए, सी का अपोजिट एक्स, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, लाइफ ओके और मंजिल नहीं, ये अपोजिट भी आपने कहीं ना कहीं ले लिए। अपोजिट लेने के बाद में फिर आप क्या कर रहे हो, अपोजिट लेने के बाद में एक पहले वाला एक बाद वाला, ए से पहले जेड और ए के बाद में बी, तो जेड बी, तो मेरे दोस्त यहां पर जेड बी, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद एक्स से पहले वाला और बाद वाला, एक्स से पहले डब्ल्यू आएगा और एक्स से बाद में वाई आएगा, डब्ल्यू वाई, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में देखें आई से पहले एच और आई के बाद में जे, जेड से पहले क्या आएगा वाई और जेड के बाद क्या आएगा ए, तो एच जे, एच जे के बाद में फिर क्या आएगा वाई ए, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से ओ से पहले एन और ओ के बाद में पी, 13 से पहले 12 पर क्या आएगा एल और एन, ये आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। जेड बी, डब्ल्यू वाई, एच जे, वाई ए, एन पी, एल एन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब कि दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन था, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए इस प्रश्न का आंसर करूं, क्या आंसर आने वाला है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें आपको गिनने हैं कितने त्रिभुज यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। यहां अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है, तो इसमें देखिए समय समाप्त हुआ, यहां अगर हम देखें तो सर देखो त्रिभुज देखने हैं, तो त्रिभुज सर देखने हैं, तो यहां पर आपका सारा खेल है बेसिक फिगर का, आप कितने बेसिक फिगर में इसको तोड़ पाते हो कितने बेसिक फिगर में आप इसको तोड़ पाते हो। देखो पहला बेसिक फिगर तो ये है, इसके तीन हो जाएंगे आपके, बोले हां सर। दूसरा बेसिक फिगर देखो ये है, इसके तीन हो जाएंगे, बोले हां सर। तीसरा बेसिक फिगर ये है, इसके भी तीन हो जाएंगे, बोले हां सर। चौथा बेसिक फिगर ये है आपका, ये वाला, इसके भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, हां सर। और बचा हुआ जो है एक त्रिभुज, तो ये बनेगा ये वाला, और एक त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा। तो देखो तीन तीन छह, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह, तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, और इसके अलावा दो आपके क्या हो जाएंगे हिडन फिगर। वो हिडन फिगर कौन कौन से हैं, वो आपके, वो है आपके हिडन फिगर ये वाले, वो है आपके हिडन फिगर ये वाले, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है जी। दो त्रिभुज हो गए तो टोटल आपके कितने 14 आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। 14 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर करें तो इस क्वेश्चन का आंसर करें, सभी न्यूरोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट है, कुछ रेडियो, कोई रेडियोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, और कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, सभी कार्डियोलॉजिस्ट डेंटिस्ट है। तीन आपको स्टेटमेंट दे रखें, सॉरी चार स्टेटमेंट दे रखें, तीन कंक्लूजन दे रखें। शांति से पढ़ें, समय ले और इसका आंसर करें।
कार्डियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट में अगर रिलेशन निकालना है तो रेडियोलॉजिस्ट देखो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, और रेडियोलॉजिस्ट यहाँ है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ भी है, और रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। देखो मेरे को अभी इसको सेकेंड और थर्ड की जरूरत पड़ेगी, कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट में रिलेशन निकालने के लिए। दोनों में डर्मेटोलॉजिस्ट कॉमन है, ये कह रहा है नेगेटिव, ये कह रहा है पॉजिटिव, तो इससे नेगेटिव निकलेगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट के बीच में यहाँ पर जो वर्ड होगा वो सभी होगा, कनेक्ट भी हो गए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के आगे क्या वर्ड है? कुछ। और यहाँ क्या लगा रखा है? कोई। कुछ से कोई वाले शब्द नहीं लगाया जा सकता, मतलब ये गलत हो गया। फिर देखें, कुछ रेडियोलॉजिस्ट आपके क्या हैं? डेंटिस्ट हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में रिलेशन निकालना है तो देखो, रेडियोलॉजिस्ट ये रहा, डर्मेटोलॉजिस्ट ये रहा, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट और ये डेंटिस्ट। तो सर देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तीनों मिलकर कैसा देंगे? नेगेटिव। जबकि ये कैसा निकाल रखा है? पॉजिटिव। तो ये भी आपका संभव नहीं है। तीसरा, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट है। तो कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में रिलेशन निकालना है तो कार्डियोलॉजिस्ट ये रहा, रेडियोलॉजिस्ट ये रहा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव निकाल रखा है, तो ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में, रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में ये था आपका, रेडियोलॉजिस्ट कहाँ था? ये रहा रेडियोलॉजिस्ट, तो रेडियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट, तो रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में तो रिलेशन नहीं बन रहा था। अब देखो, अब यहां पर आप आंसर कर सकते हैं कि सर कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और थर्ड में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, पहली नजर में दोनों गलत नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, पहली नजर में दोनों गलत नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एटलीस्ट एक कुछ से शुरू होना चाहिए, ये कुछ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट या थर्ड, यहां पर फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक अनुसरण करेगा, सेकंड तो अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर ए इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक की बात? ए इसका सही उत्तर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात आप सभी के समझ में आई होगी। तो ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाला है, ट्राई योर सेल्फ में डाल लीजिए इस प्रश्न को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही साथ में कैसी रही आज की क्लास, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज जो है काफी बेहतरीन प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग के अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में जरूर एड ऑन कर लीजिएगा, जहां भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें अच्छे क्वेश्चंस को समय के साथ साथ में ऐड करते चलिए, ताकि आपके नोट्स धीरे धीरे क्वालिटी नोट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाए, और आप जब रिवीजन करें तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस से आपका क्या हो, सामना हो। तो नोट्स को अपडेट प्रत्येक दिन करते रहें, जो आपको अच्छा क्वेश्चन मिला है उसे नोट्स में ऐड करते रहें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।